बालकों ने अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरगुजा जिला के मेनपाट विकास खंड ग्राम आम गांव में यात्री प्रतीक्षालय और सामुदायिक भवन का निर्माण कराया है। इनका उद्घाटन सरगुजा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री राजाराम भगत ने किया। देखें ये रिपोर्ट। मेनपाट में बालकों के निर्माण कार्यों के उद्घाटन अवसर पर श्री राजाराम भगत, आम गांव के सरपंच श्री धर्मपाल एक्का, कमलेश्वरपुर के उप सरपंच श्री रजनीश पांडे और भाजपा सरगुजा के जिला महामंत्री श्री राजकुमार अग्रवाल, बालको के मेनपाट खदान प्रमुख श्री मनोज मोदी सहित अनेक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। काटिए काटिए। सरपंच साहब, इसका देख रेख ठीक से रखो। हाँ, बस वही है भाई। भाई आपके जब बात करें। श्री भगत ने निर्माण कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बालकों की उपस्थिति से क्षेत्रीय विकास तेजी से हुआ है। बालकों के आने से मेनपाट में विकास तो हुआ है और लोगों का कुछ सांस्कृतिक सुधार और अपने स्वास्थ्य सुधार सभी पर बालकों के आने से कुछ देखने के लिए मिला है और रोजगार से संबंधित और पहनने ओढ़ने लोग यहाँ के जो कल्चर था उस कल्चर में भी सुधार हुआ है। श्री एक्का ने निर्माण कार्यों के लिए बालको प्रबंधन के प्रति आभार जताया। श्री पांडे ने कहा कि बालकों की उपस्थिति से क्षेत्र में रोजगार निर्माण और सामुदायिक विकास का सकारात्मक माहौल बना है। पिछले 20 वर्षों से मेनपाट क्षेत्र में बॉक्साइट उत्खनन का कार्य कर रही थी, जिससे पूरे मेनपाट क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और यहाँ के लोगों को रोजगार का साधन मिला था। वर्तमान में बालकों की माइंस यहाँ पे बंद है कुछ महीनों से, जिससे यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, मजदूरों को जो रोजगार की स्थिति है बहुत बदतर हो गई है। लोगों को रोजगार की आवश्यकता है और सभी की जनमानस की यह इच्छा है कि जब बालकों की जो बॉक्साइट की जो बंद माइंसें हैं उनको तत्काल शुरू कर यहाँ के लोगों को लाभ दिलाया जाए और बॉक्साइट का उत्खनन प्रारंभ हो, लोगों को रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था सरकार को जल्द की जानी चाहिए जिससे बालकों का और देश का और यहाँ के मजदूरों का भला हो सके। श्री अग्रवाल ने कहा कि बालकों के बॉक्साइट खदान के कारण स्थानीय नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, सामुदायिक विकास कार्यों में बालकों का सहयोग मिल रहा है। बालको कंपनी एक सरकारी कंपनी के रूप में काम करती थी, उसके बाद जब ये वेदांता ग्रुप को चली गई कंपनी, उसके बाद मेनपाट क्षेत्र में विकास के और सामुदायिक सहयोग के बहुत प्रकार की योजनाओं से यहाँ के लोगों को काफ़ी सहयोग मिला है और बालकों के प्रति यहाँ के लोगों के नज़रिए में भी काफ़ी पहले के अपेक्षा परिवर्तन दिखाई देता है।